नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पूरे भारतवासियों के लिए, क्योंकि आज का जो टाइम चल रहा है दोस्तों, एक सिस्टम चल रहा है बहुत धड़ल्ले के साथ, लोन आप लोग लोन ले लेते हैं और उसकी ईएमआई नहीं भर पाते हैं तो आपको परेशान किया जाता है। अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा, अगर आप लोन लिए हैं तो आपको कोई परेशान नहीं करेगा। यहाँ तक दोस्तों कि अक्सर आप लोग देखते होंगे और न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे कि लोन के रिकवरियों के कारण आदमी ने आत्महत्या कर लिया। दोस्तों ये जो लोन रिकवरी एजेंट होते हैं ये लोग बहुत ही बदतमीजी कर रहे हैं। पहली बात तो जैसे आप कहीं से लोन ले लिए हैं, लोन लेने के बाद आप ईएमआई भर रहे हैं, मंथली जो ईएमआई आ रही है, जैसे ही लोन लेते हैं, आजकल इतने ऐप चल गए हैं, इतने बैंक वाले लोन दे रहे हैं 15,000, 20,000, 10,000, 5,000 क्रेडिट कार्ड क्या क्या जितने में हैं आपको देंगे, और पहले प्रोसेसिंग फीस लगा देंगे, 15,000 देना है तो आपको 14,000 मिलेगा, उसके बाद फिर उसमें इतनी ज़्यादा हाई फाई ब्याज लगा देंगे कि उसका तो आपसे 20,000 या 30,000 रुपये ले लेंगे। पहले उसमें तो एक दिन लेट हो गया तो 400-600 ब्याज लगा देंगे। अरे आदमी गरीब था बेचारे के, खाने के लिए पैसा था कि नहीं था, बिजनेस कहते बिजनेस किस लिए लोन है, बिजनेस के लिए। अरे 10,000 में कौन सा बिजनेस खुलता है, 10,000 की बिजनेस का लोन दे रहे हैं। अब आदमी उसे ले करके दाल चावल आटा इतना महंगा हो गया, उसको लेके खा लिया है, पेट तो आदमी खाएगा ना। अब उसके लिए क्या होता है, जैसे महीना पूरा होता है रिकवरी एजेंट फोन लगा देते हैं, हेलो हाँ हम फला जगह से बोल रहे हैं, इस कंपनी से बोल रहे हैं, यहाँ तक तो चलिए ठीक है। अब वो रिकवरी एजेंट क्या करते हैं कि वही साले जो होते हैं बन जाते हैं क्या, कभी इंस्पेक्टर थाने के बन जाएंगे, कभी वकील बन जाएंगे। मतलब कि आपके पास अगर लोन लिए हैं तो आपके पास कोई किसी प्रकार का फोन नहीं आएगा, वकील आपके पास फोन क्यों करेगा, इंस्पेक्टर आपके पास फोन क्यों करेगा। अगर वकील उनका जो बैंक का होता है, अगर वकील के पास कोई ऐसा मैटर जाएगा तो लीगल नोटिस भेजेगा, वो फोन करके क्यों डराएगा, मैं उठवा लेंगे, अभी पुलिस पहुंचेगी, आपको ये दिक्कत आ जाएगी, आपका सिविल स्कोर गड़बड़ कर देंगे, आपको ये कर देंगे, आपको वो कर देंगे। मतलब इतना टॉर्चर कर देते हैं कि लोग जान देने के लिए आ जाते हैं, यहाँ तक कि आत्महत्या करते हैं लोग, कर भी लेते हैं, बहुत से लोग कोशिश करते हैं बच जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खास इसलिए बना रहा हूँ कि अगर आप लोग ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं तो बिल्कुल घबराए ना, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। आप अगर लोन नहीं भर पा रहे हैं, आपके पास कोई ऐसी दयनीय दशा है तो बिल्कुल आपके पास फोन आ रहा है, आप फोन में बात करिए, हाँ भैया आप हमसे लोन लिए हैं, हाँ भैया लिए हैं, आप पैसा क्यों नहीं दे रहे, हमारे पास नहीं है, अपनी अच्छा स्थिति बताइए, घबराइए मत। अगर ये लोग जो एजेंट होते हैं ना, ये फोन लगा करके बोलेंगे हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, ये आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या करेंगे। अच्छा 15,000, 20,000, 50,000 का आप लोन ले लिए, उसमें क्या करेंगे, ये लोग आपके पास पैसा नहीं देने के लिए तो क्या करेंगे, फांसी चढ़ा देंगे आपको। आप क्यों डरते हैं, क्यों आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से बिल्कुल, आपका फोन आ रहा है फोन करके बैठे रहिए, बात करिए उनसे, आप तब तक इनसे बात करिए जब तक मैटर ये बोले ना अपने से कि चलिए आपका लोन 15,000 लिए थे, 50,000 पहुंच गया है, सेटलमेंट कर लेते हैं। सेटलमेंट का मतलब दोस्तों कि आपका जो कहाँ कम से कम दामों में जितना आपको हो सके उसमें फिर आपको जो सेटलमेंट हो रहा है उतना दे करके फुर्सत हो जाइए, अगर आपके पास पैसा है तो। नहीं पैसा है तो दोस्तों आत्महत्या मत करिए। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको तो मैं विशेष कर कहता हूँ कि अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसके मेरे लिए संपर्क करिए मेरे वीडियो पे, और अगर ऐसा कोई मैटर है तो मैं उसको वीडियो में आप लोगों को समझा दूंगा। अगर बड़ा मैटर है तो उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। और दोस्तों जो नए लोग हो वो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो को पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों ये जो लोन रिकवरी एजेंट होते हैं, पहले आपको लोन देते हैं, लुभावने देंगे, लोन दे देंगे, फिर ये वहाँ पे बैठे रहेंगे ऑफिस में बैठे बैठे, फिर अपना फोन घुमाते रहेंगे, इनके सिर्फ इतना ही काम है दोस्तों, ये एक ही काम लेके बैठे हैं, इनके लिए इसी का पेमेंट मिलता है, इनका एक ग्रुप होता है।
आठ दस लोगों का ग्रुप है, बैठे हैं, बस एक नंबर लेते, इसका नंबर पे फोन लगाओ, इसकी ईएमआई नहीं आई, इसकी ईएमआई नहीं है, इसकी ईएमआई नहीं आई। और ये आप लोगों को इतना ज़्यादा टॉर्चर करेंगे दोस्तों कि आप इन डर ही जाएंगे। इनके बात करने की जो शैली होती है, जो एजेंट हैं वो देख रहे होंगे वीडियो को, मुझे कोई किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, उनको सालों को मैं बता रहा हूँ कि अगर उनके वजह से कोई आत्महत्या कर रहा है तो उनके लिए खैर की बात नहीं है, उनके लिए खैर नहीं होगा। ऐसे अगर ये धोखे से वकील बन करके, पुलिस अधिकारी बन करके, सीबीआई बन के, ये देश के जितने हैं इनको बन करके जो फ़ोन करते हैं उनके लिए खैर नहीं है। मैं बिल्कुल, जो रिकवरी एजेंट देख रहे हैं वीडियो को बिल्कुल देखें और वो लोग सुने भी कि अगर ऐसा वो कार्य करते हैं तो उनके लिए खैर नहीं है। वो लोगों को इतना ज़्यादा टॉर्चर क्यों करते हैं कि आदमी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। अरे किसी के पास खाने के लिए नहीं था, वो लोन ले लिया है, उसकी मानसिकता चुकाने की है, ये नहीं कि वो बेईमान है, उसकी गरीबी है। गरीबी बहुत बुरी होती है दोस्तों, गरीबी एक ऐसी स्थिति होती है कि जो इंसान गरीबी से गुजरा है वही समझ सकता है कि गरीबी क्या होती है। बाकी जिनके पैसा है वो तो सिर्फ गरीबियों का मजाक ही उड़ा सकते हैं, और जो गरीबी कभी नहीं देखा उसे क्या मालूम कि गरीबी क्या होती है। तो मैं दोस्तों आप लोगों से फिर एक बार ये बात कहता हूँ कि अगर आपके पास ये एजेंट जो बैठे हैं, अगर पुलिस ऑफिसर वकील बन के बात करते हैं तो आप बिल्कुल गलत समझिएगा, क्योंकि कोई वकील आपके पास फ़ोन नहीं करेगा लोन की रिकवरी के लिए, ना कोई पुलिस वाला फ़ोन करेगा, यही जो एजेंट दलाली यही सब बनते हैं और यही सब करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास कभी फ़ोन ऐसा आ गया है तो आप प्रेम से बात करिए, हाँ मैं वकील बोल रहा हूँ, कौन से वकील भैया, कहाँ से बोल रहे हैं, आप समझ लीजिएगा कि वकील फ़ोन नहीं कर रहा। अरे वकील क्यों फ़ोन करेगा आपके पास, वकील क्या आपको पैसा दिया है? बैंक वाले अगर वकील करके रखे हैं तो लीगल नोटिस आपके पास भेजेगा ना, वो फ़ोन क्यों करेगा? क्या वकील इतना बेवकूफ़ नहीं है? उसे मालूम है कि रिकवरी एजेंट इसके पास कितना फ़ोन किए होंगे, क्या किए होंगे, देने लायक है कि नहीं है, उसकी क्या स्थिति, वकील क्यों फ़ोन करेगा? थाने का इंस्पेक्टर आपके पास क्यों फ़ोन करेगा? यही जो एजेंट रिकवरी होते हैं यही सब बन के बातें करते हैं और फरेब करते हैं, लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, इतना ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और आदमी उसमें घबरा जाता है। वो बेचारा पैसा लेके बैठा है, चार किस्त, आठ किस्त, नौ किस्त भर दिया, दो एक चार किस्त बाकी है उसकी, क्या किया, उसके पास बेचारे के पास पैसा नहीं है। अब जैसे दो दिन बीता तो साला 500-700 इकट्ठा ब्याज फेल देते हैं ये लोग। ये कंपनी वाले जो लोन दे रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ज़्यादा, एक दिन का लेट पेमेंट 700 लगा देते हैं, 1200 लगा देते हैं, और अगर आप नहीं देंगे तो आपका सिविल स्कोर हम गड़बड़ कर देंगे, आपको ये कर देंगे। अब ये नहीं कहते कि आपको गोली मार देंगे हम, बस नहीं तो बाकी ये सब कुछ कर लेते हैं, आपको उठा लेंगे, पुलिस आएगी, ये लगता साला डकैत है, उठा लेंगे। अरे चोरी किए हैं, जेब काटे हैं कि उठा लेंगे, कैसे उठा लेंगे भाई? उठाने का कुछ तरीका है, लोन नहीं चुका पाए तो उठा लेंगे, अरे ऐसे कैसे उठा लेंगे? बिल्कुल डरने का नहीं है, आप दे रहे हैं, आपके पास जब होगा पैसा आप देंगे, आपकी मानसिकता जो है वो देने की है, ना देने की नहीं है। हाँ आपके पास नहीं है तो क्या करेंगे, किसी से पास चोरी करेंगे, कहाँ जाएंगे? कोई आज के टाइम में पैसा देता है? आप दिए हैं, पैसा भर रहे हैं, नहीं हुआ है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो गई है, ज़्यादा दिन हो गए हैं, आपको बहुत ज़्यादा ब्याज हो गई, तो उसका सेटलमेंट होगा भैया? आपकी थोड़ी कि 1000 रुपये दिए हैं, 4 लाख रुपये उसकी ब्याज हो गई तो 4 लाख रुपये आप भरेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। अगर आप पैसा जितना लिए हैं उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ब्याज है तो आप उसको भर दीजिएगा, अगर बहुत ज़्यादा है तो काहे के लिए भरेंगे भाई, सेटलमेंट करेंगे। हमारे पास पैसा नहीं तो हमारी मुसीबत थी, कोई किसी प्रकार को तो 1000 दे करके कोई 2-2 लाख रुपये ले लेगा, 10000 दे करके 50000 रुपये लेगा ब्याज। और ये इन लोगों की ब्याज की तो कोई बातें नहीं, मेरा एक दोस्त है वो ले लिया था और उसका एक दिन कम हुआ 700 रुपये पेनाल्टी, और कहा कि ज़्यादा होगा तो अभी और पे ले जाओगे। तो भैया इनसे अगर आप लोग पैसा लिए हैं तो ये लोग क्या करें, नहीं तो आप पैसा जरूर ले लेते हैं दोस्तों इनसे, जितने लोग लोन कंपनी वाले दे रहे हैं आजकल ऐप के सहारे इधर उधर करके ऑनलाइन, अगर इनसे आप लोन ले लिए हैं दोस्तों तो आप ये समझ लीजिए कि आपसे इतना पहले तो 1000 रुपये प्रोसेसिंग फीस से काट लेते हैं। इनका इतना झमेला है कि हद से ज़्यादा है, और आदमी को अगर लेट हुआ तो इतना क्या करें, नहीं तो पूरा उसका घर द्वार सब अपने आप रजिस्ट्री करवा लेंगे आकर के। तो दोस्तों घबराइएगा मत,
अगर आपके पास लोन देने का पैसा नहीं है तो गलत कदम मत उठाइएगा, आप बराबर बात करिएगा, हमारे अभी पैसा नहीं है, मैं भी देखता हूँ आपको कौन आप उठाता है, अगर कोई उठा लेता है तो उसके लिए मेरे वीडियो पे कमेंट करिएगा दोस्तों। और दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लग गई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।